सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। सुबह का नमस्कार सिर्फ रिवाज ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र का एहसास भी है। रिश्ते जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिले तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। कड़वा सच है कि गरीब से दोस्ती छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर निभाते हैं लोग। आज का पंचांग 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम 4:38 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 1:39 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौके पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में हैं। सुलह करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके लिए अनजाना और दोषी महसूस कर सकते हैं। अतीत में कोई चिंता फिर आपको परेशान करेगी, अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें और जो आपके शारीरिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो करें। अप्रत्याशित रूप से धन मिलेगा, सोच समझ कर निवेश करें। आज आपका दिन आपको अच्छे और बुरे दोनों अनुभव कराएगा। हर काम में सफलता प्राप्त होगी, बस वाहन सही तरीके से चलाएं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपका काम संतोषजनक और रचनात्मक है जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। पारिवारिक गतिविधियों को योजनाबद्ध व अनुशासित तरीके से व्यवस्थित होने पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। आज राजनीतिक संबंध आपको फायदा दे सकते हैं। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा जिससे आपको अपनी पहचान भी मिलेगी। पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने पर ध्यान दें। लोगों के लिए जो नकारात्मक महसूस हो रही है वही प्रगति के लिए बाधा बन रही है। सकारात्मक विचार बनाए रखें। व्यापारी वर्ग को अपने काम को अधिक बेहतर करने के लिए मार्केटिंग के नए नुस्खे सीखने की जरूरत है। पार्टनर की गलतियों को माफ करके उन्हें बदलने का मौका देना चाहिए। मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है जिसे ठीक करने के लिए थेरेपी की सहायता लें। पैतृक व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, कारोबारी यात्रा करनी पड़ सकती है। काम वालों को राहत मिल सकती है, मानसिक अधिकता भी रह सकता है। निजी सहायक और निजी सचिव के रूप में कार्यरत लोगों के लिए संभल कर रहना होगा। अगर कोई कानूनी मामला है तो विपरीत जा सकता है। सरकारी पक्ष से चल रही समस्या समाप्त होने की संभावना आज नहीं है। डिप्रेशन से बचें। किसी विशिष्ट व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। बकाया काम निपटाने के लिए अनुकूल समय है। आईटी से जुड़े लोगों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। नौकरी कर कोशिश करें कि कुछ घूमना फिरना हो जाए। कोई कारोबारी विवाद चल रहा है तो उसमें आगे बढ़ने से बचें। उलझता दिखे उसे अधूरा छोड़ दें। कोर्ट में मुनाफा चल रहा है तो सुनवाई से बचें। पुराने विवाद में आज कुछ भी ना करें। सिर दर्द दुखी कर सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां।
किसी अनजान व्यक्ति से व्यवहार करते हुए सावधान भी रहें। आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसका दुष्प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने की वजह से आपको घर तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखना और आप इसमें कामयाब भी होंगे। चुनौती और दीवानगी आज के दिन का पर्याय रहेगा। आप एक असाधारण और अविश्वसनीय प्रेम के तरीके से अपने साथी को आश्चर्यचकित करेंगे और इसके लिए पुरस्कृत भी होंगे। आप खर्च में और प्यार के कार्य में दोनों में समान रूप से उदार रहेंगे। उदार प्रवृत्ति के कारण आपके एक भावुक और दीवानगी की प्रतिक्रिया आपके लिए पैदा होगी। आप एक साधारण दिन का आनंद उठाने के लिए तैयार रहें, जो कि आपके प्रयासों के कारण असाधारण बन गया है। किसी गुप्त या रहस्यमय रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। रोमांस और यौन सुख भी आपकी किस्मत में है। अगर कोई आपसे अपने दिल की बातों को शेयर करता है तो इसका अर्थ है कि वो आपके प्रति आकर्षित है। इस मौके को व्यर्थ न जाने दें। आज आपके हिस्से में है एक मिश्रित परिणामों वाला दिन, जिसमें आपको सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन खट्टे मीठे छड़ों में एक समान रहें, वही सफलता का पात्र है। बात करते हैं करियर की। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लग्न के साथ कार्य कर रहे थे, इस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर शांत से रुख कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। जीवन में आए खतरे या अपमान आपके हौसलों को नहीं तोड़ पाएंगे। अपने करियर को बढ़ाने के बारे में भी विचार करें और मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग करें। करियर या निजी जीवन के रहस्यों को उजागर करने का समय अभी आ चुका है। आज आप अनुभव करेंगे कि आपको अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। परिश्रम से भी अधिक अच्छा मुनाफा मिलेगा। गलतियों से बचें, क्योंकि वे आपके कार्य या नौकरी को खतरे में डाल सकती है। नए कार्य में भी आपको आनंद मिलेगा और चिंता ना करें, सफलता आपका साथ देगी। व्यवसाय गतिविधियों पर पारिवारिक समस्याओं को हावी ना होने दें। आज संपर्क क्षेत्रों और मार्केटिंग संबंधित कार्य पर अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि इन्हीं द्वारा आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। बात करती हैं सेहत की। कभी कभी काम की अधिकता की वजह से थकान महसूस हो सकती है। ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच करवाते रहें। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधित परियोजना पर काम कर रहे हैं या इसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर समाधान तैयार रखें। आपको इन सब प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।